भाई बैठे यहाँ पे। मैंने बोला भाई मेरी हेल्प कर दो, बोल मैं यहाँ पर अभी तक तो अकेली ही हूँ, लेकिन यहाँ पर हम फोन लगाएंगे क्योंकि ना ही हमारे पास स्टैंड है ना पकड़ने वाला कोई है। नहीं है। किसी को बिंदी लानी है, किसी को लिपस्टिक लानी है, किसी को घर में सामान लाना है। इसको जो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है इससे ये इस तरह खराब कर रही थी। और ये रात को 10-1 बजे और चुकी हूँ। तो ये गेट रेडी विद मी का वीडियो तार अपने मिशन में काम आएगी, बड़ी सॉफ्ट सी है, और ये तार तो मैं चोरी करके मेरे साथ ले जाऊंगी क्योंकि मैं इससे कुछ ज्वेलरी वगैरह DIY बनाऊंगी। तो इस तार को तो मैं झोपड़ी में तो नहीं लगाने वाली, ये तो मैं लेके जाऊंगी और इनको बताऊंगी भी नहीं कि तुम्हारे यहाँ से मैं क्या लेके जा रही हूँ। ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट सी है, सॉफ्ट भी है और क्वालिटी भी अच्छी है। मेरे साथ एक बोरा लेके आऊंगी, बोरा तो यहीं मिल जाएगा, तो जो जो चीज़ें मुझे ले जानी होगी सारी उस बोरे में भरती रहूंगी और वो उस पहाड़ के पीछे वहां रख दूंगी ताकि घर में कोई देखे नहीं। जो भी अच्छी चीज़ मिलेगी ले जाके उसमें डाल दूंगी और जिस दिन भर जाएगा ना मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या लेके गई है। तो सारी चीज़ें चुक चापट में है, सारी DIY का जितना आज तक ऑनलाइन सामान लाई हूँ ना उतना सारा मुझे यहीं से कलेक्ट करना है। यहाँ पर एक और तार पड़ी है, अपने लिए यूज़फुल हो सकती है, पर ये तार ज़्यादा हार्ड है, फिर भी ना काम तो आ जाएगी, हार्ड नहीं है। लेकिन अगर मेरे पापा को पता चला ना, मतलब उनके कोई काम की हुई ना, तो मेरी फिर खैर नहीं। पर उनको ये थोड़ी पता है कि वीडियो कितना वायरल जाएगा, इस 10 रुपये की तार से मैंने अपनी मेहनत इन्वेस्ट करके कितने कमाए हैं, वो उनको कौन समझाए। वो कहेंगे फ़ोन लिए बैठे रहते हो, काम कुछ है नहीं और मेरा सामान खराब कर दिया, ये तार मेरे से मांग पूछ के नहीं लिया, मेरे कितना काम का था। भले फिर ये 15 रुपये के काम में ना आए लेकिन उनके लिए इसकी वैल्यू लाखों की है। फटाफट असली हथियार मिल चुका है, अरमन लागे को आज तैयारी करूँ 2 दिन रुकाओ में, एक दिन में आज दिन में कदो तो हाँ ना। गई थी घर पे, ये लेके आई हूँ। मेरे दो भाई बैठे यहाँ पे, मैंने बोला भाई मेरी हेल्प कर दो, बोल रहे हमें तो बहुत काम है, हम निकम्मे नहीं है। क्या काम है कि हम गांव जाके आ रहे हैं, किस लिए कि ऐसे घूम के आ रहे हैं। वाह वाह, ये उम्मीद नहीं थी भाई लोगों आपसे मुझे। करती हूँ मैं अकेली, ये मिल गई है, इससे हम वो काटेंगे पूरे के पूरे कबाड़े। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे भाई मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करती कभी भी, मना कर देती उसी तक कोई काम बोलते हैं तो मैं नहीं कर रही। अय्या मार्केट से सामान लाना होता है मुझे, बोलते आते वक्त इस बार बोले क्या ना या फिर बस वे वो सामान देना। मैं कह रही हूँ पहले एक्स्ट्रा 5000 रुपये, 5000 पहले पहले से 500 रुपये मेरे वो भेजो, जिससे मैं काम से मतलब एक तो मैं मेरा काम छोड़ूंगी, एक मैं जाऊंगी, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, पटकना पड़ेगा मुझे मार्केट में। फिर पहले 500 रुपये भेजते हैं, फिर मैं सामान लाती हूँ, फिर सामान के पैसे भेजते हैं। इतनी कमी नहीं हूँ मैं, मतलब हूँ लेकिन ये कमी नहीं है, ये कमी ना पर नहीं है, ये टॉर्चर करने का काम है। बात ऐसे हैं कि कोई मेरा कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है और ये तार भी मेरे में लिपट गया है, तो अभी मैं यहाँ पर अपना कैमरा सेट करके जाती हूँ और वो लेकर आती हूँ खीप। और यहाँ मधुमक्खियाँ हैं, कोई बात नहीं, मधुमक्खियाँ मेरे फ़ोन का ख्याल रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं यहाँ पर अभी तक तो अकेली ही हूँ, लेकिन बाद में दिव्या आ गई थी, मुझे नहीं पता था दिव्या मेरा साथ देगी। तो यहाँ पर मैं ये खीप लाने जा रही हूँ, पापा ने यहाँ जमा कर रखे हैं और मुझे ये भी नहीं पता था, इसके लिए मुझे डांट पड़ने वाली है और गालियाँ भी पड़ेगी। और दूसरे दिन वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन मेरे को थोड़ा काम मेरा अधूरा रह गया था तो पापा को पता चल गया और फिर बोला कि ये खीप इतने ज़्यादा मतलब इतने इतने तो मैं कुछ 20-25 बार लेकर आई तब जाके पूरे हुए थे। तो मतलब उसमें से भी मैंने अंदर अंदर से जो पतले पतले और जो बिल्कुल सीधे सीधे थे ना वो निकाले, और बाकी वाले मैंने ऊपर से निकाल के और साइड में फेंक दिए। जो सामने आपको एक पूरा जमा जमा या दिख रहा है ना खीपों का डिगला, उसमें से मैंने कुछ निकाल निकाल के फेंक दिया। तो इस तरह ना काफ़ी मुझे डांट खानी पड़ी इस उम्र में, मतलब कि एक बेटी को बाप डांट कब खिलाता है जब छोटी होती है।
या तो नहीं समझती, बहुत छोटी होती है, या फिर थोड़ी बड़ी होती है, कोई मटकी फोड़ देती है, कोई लोटा फोड़ देती है, कोई पानी गिरा देती है या कोई बर्तन तोड़ देती है तब। लेकिन अभी तो मैंने ये पूरा खीप का डिगला ही खराब कर दिया, तो डांट तो खानी थी, सीधी सी बात थी। और इसके अलावा बाकी सब लोग अभी घर पे कोई नहीं है, सब गए हुए हैं गांव, साता गांव गए हुए हैं, भाई भाभी आस पड़ोस की कुछ और भाभियां मिलके, और बाकी भानु के वहाँ गया हुआ है तेजस और दिव्या। अभी अभी तो वहाँ पर तेजस को मामी जी के पास फ़ोन मिल जाता है, वैसे वो नहीं गई है साता, तो वहाँ पर वो चार पांच जने हैं और मम्मी भी गई हैं गांव। तो इस तरह है ना, ज़्यादातर लोग तो गए हुए हैं और अब दिव्या तो आ गई मामा जी के वहाँ से। यहाँ पर जाड़ के पेड़ के नीचे हम बना रहे हैं मैं और दिव्या, और यहाँ आप देख रहे हो दिव्या कितनी क्लियर दिख रही है फ़ोन के अंदर। यहाँ पर हम फ़ोन लगाएंगे क्योंकि ना ही हमारे पास स्टैंड है ना पकड़ने वाला कोई है, और ये दिव्या है, वहाँ पर हम सबसे पहले तार बांध रहे हैं ताकि स्टेबल रहे, बिखरे नहीं बार बार, वो हम करने जा रहे हैं। ऊपर से हमने रस्सी से बांध दिया, एक टूटा हुआ था वो वाला, वो पोटली पीछे रेड रेड दिख रही, वो गाय के चारे की है। दिव्या को वहां धूप में बिठा के मैं आ चुकी हूँ कमरे के अंदर, ठंडी हवा मैं तो ऐसे ही आई अंदर, चलो जाती हूँ मैं, कॉल करने आई थी। तो अभी बताते हैं हमारा आसिया ना, उससे पहले हमारी हालत ऐसी हो चुकी है। हाँ तो हमने कितना बनाया आपको बताते हैं, कितनी साइड बनाया है। तो हमने आगे की साइड में इतना बनाया है, ये देखो इतना, फिर ये साइड वाली साइड एक बना दी हमने, पीछे की साइड बाकी, उधर की साइड बाकी है, और दो ऊपर की साइड बाकी है। पहले पूरा साइड से करके फिर ऊपर वाला करेंगे, सो क्योंकि ऊपर वाले में वो छाए। कंटिन्यू एंड वॉच, क्या वॉच। तो ये शाम को लगभग 5 बजे इतने लोग आए हैं गांव से, क्योंकि कल नामकरण है, तो किसी को ड्रेसें लानी है, किसी को बिंदी लानी है, किसी को लिपस्टिक लानी है, किसी को घर में सामान लाना है, गुड़ घी वगैरह, वो तो इस तरह अभी आए हैं। हम अपने मिशन में फेल होते नज़र आ रहे हैं, मेरा एक नाखून टूट गया, ये वाला बीचों बीच में से मुड़ गया था, दर्द इतना जोरदार हो रहा, अभी अलग हुआ नहीं हो जाएगा, थक गया। तो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए, लाके फ्रिज में रखे, और वो फिर इधर उधर कहीं निकल गए हैं, कोई अपने काम को और कोई वहाँ चले गए ताऊ जी के वहाँ पे। तो फिर दिव्या पीछे आधा घंटा फ्रिज में रखे तो ठंडे हो गए अंगूर, और फिर धो के लेके आ गई है। और यहाँ का पानी भाई हमें जचा नहीं, क्योंकि वो आधा मीठा और आधा खारे जैसा है, और पी पी के थक गए, पेट फटने लग गया, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। तो हमने सोचा क्या पता अंगूरों से कुछ आराम मिले। वापस वापस लट्टा पूरी करो, ये मिनी और ये गोगड़ मीना, वो बेटा है गोगड़ ही है। अरे मम्मा उसके डुंगे आ रहे थे। ये मीना और कप्पू गोगड़ मीना, कप्पू सब करवा दिए, गंदी लग रही है। यहाँ पर चारपाई कुत्तों के लिए, वो देखो अभी उठ के गया है, दो कुत्तों के लिए दो चारपाई। तो अभी रात को हम आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर मम्मी है, पापा है, भानु है, भाभी है, दिव्या है, तेजस है, मैं हूँ। तो सोफे पे ये दिव्या सोफ़ा ख़राब कर रही है, इसके पास एक सुआ है, मतलब जो सुई होती है ना उसका ये बड़ा रूप, इससे बोरियाँ वगैरह चलते हैं ना, इससे इसने ये बनाया। फिर अपने मामा जी से डांट खाई, फिर जाके इसको रगड़ रगड़ के बिल्कुल सही किया, लेकिन उस टाइम तो नहीं हो पाया था। तो ये इस तरह इस सोफ़े के ऊपर से इसको जो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, इससे ये इस तरह ख़राब कर रही थी। और ये रात को 10-1 बजे, और आज जो है सोने पे लड़ाई नहीं हुई इन दोनों के, उन्होंने फिक्स ही कर रखा था कि एक तरफ मैं सो जाऊंगी, एक तरफ तुम सो जाना, लेकिन सोएंगे तो हम सोफे पे ही, खाट पे, माचे पे, पलंग पे नहीं सोएंगे। पता नहीं इनका ये कैसा शौक है इस तरह का। तो फिर दोनों ही सो गए इस पे, और इस तरह हमारा जो है दूसरा दिन भी निकल जाता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे ताऊ जी के पोती के नामकरण है, तो वहाँ जाना है। तो भाई रे, एक तो है ना अनजान जगह होती है गाँव से,
यहाँ से जाते हैं, बाड़मेर से जाते हैं फिर, और दूसरी है ना कोई काम टाइम पे होता ही नहीं है, तो मेरा वीडियो भी नहीं हो पाया था। और इसके अलावा मतलब बीच में छोटे छोटे ऐसे काम पड़ते रहते हैं कि वो एक है ना अनजान जगह में वो काम करने में भी काफ़ी देर लग जाती है, और इधर उधर घूमते 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 हम तैयार हो के रहे हैं लगभग 11:15 बजे हम वहाँ पर जाने के लिए रवाना हुए हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ से और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये गेट रेडी विद मी का वीडियो बहुत ही फनी और बढ़िया सा बना था, तो ये वीडियो आ चुका है घमूसारण चैनल पर कल रात को, तो जाकर फटाफट देख लीजिए। और इस बार थोड़ा मेरा लुक थोड़ा सा अलग है क्योंकि डार्क डार्क कलर की ड्रेसें हैं, चुनरी किसी और से मांगी है, ड्रेस किसी और से मांगी है, और गहने तो मेरे पास आर्टिफिशियल है ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।